तो आ जाओ मेरे पढ़ाकू, आज मैं बच्चों की डिमांड पर आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ ऑप्टिक्स से रिलेटेड। कई बच्चे कहते हैं सर इमेज फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत होती है, इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, हमें रूल रटने पड़ते हैं, हमें ये समझना पड़ता है कि रे यहां से आएगी तो कहां जाएगी, वहां से आएगी तो कहां जाएगी, ये रटना पड़ता है। तो बेटा ये 3 से 4 टॉपिक लेगा। मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा लेकिन वो ढंग से शायद याद नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग आज से पढ़ना शुरू करिए। पहले सबसे इजी, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट, 5-7 दिन में आपको इमेज फॉर्मेशन से लेकर और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तक सब कराते हैं। तो मिलते हैं ठीक 30 सेकंड के बाद। मिरर्स एंड लेंसेज, बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन शुरुआत यदि हम इजी वाली चीजें छोड़ दें तो डिफिकल्ट समझ में नहीं आता। तो ध्यान से सुनना, देखो बेटा रिफ्लेक्शन का बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल है आई इज इक्वल टू आर। मान लो बेटा ये है प्लेन मिरर, ध्यान से देखना बेटा, ये है प्लेन मिरर और ये है उसका नॉर्मल। मेरे बेटा जो भी लाइट रे आती है, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आती है रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन पर वापस जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो मेरे बेटा यहां पर आई इज इक्वल टू आर। इसके अलावा ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में। मेरे बेटा जहां भी रिफ्लेक्शन होगा यही रूल चलेगा, और कोई रूल नहीं है रिफ्लेक्शन का। कई बच्चे कहते हैं सर मिरर वगैरह में भी। मेरे बेटा चाहे मिरर हो या लेंस हो, सबका एक ही रूल है आई इज इक्वल टू आर, और बाकी रूल इसी से निकाले गए हैं। अब आपको मैं जरा बताऊं, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, हैं? ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुम्हें मालूम है नेचुरल रहता हूं, मुझे मिटाना है तो मैं रोकूंगा नहीं, पॉज नहीं आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट। जिस स्फीयर में से मिरर को काटा गया उसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं भी ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, यहां ज्वाइन कर दो, ये सब नॉर्मल हैं। तुम्हें मालूम होगा कि रेडियस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहते हैं। तो ये वाली रेडियस भी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये भी नॉर्मल है, ये रेडियस भी सरफेस के परपेंडिकुलर है ये भी नॉर्मल है, तो ये सब नॉर्मल है। अब बेटा लाइट रे कौन सी आएगी, कहां जाएगी, वो कैसे पता चलेगा? तो मेरे बेटा ये दोबारा से मैंने एक मिरर ले लिया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां ये बेटा पोल है। पोल क्या है बेटा? मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर का बिल्कुल सेंटर, इन दोनों का मिड पॉइंट कहलाता है बेटा फोकस। अब आप गौर से सुनो, मान लो मुझसे कोई कहे कि ये रे आई कहां जाएगी, ये इंसिडेंट रे कहां जाएगी, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते हुए नॉर्मल बना लो। मैंने बताया था ना कि बेटा हर रेडियस एक नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते हुए नॉर्मल बना लो। तो ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, दोनों के बीच का एंगल है आई। अब आप आई के बराबर आर बनाते हुए इसे भेज दो, ये रे यहां से जाएगी। आपको आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए रे को भेज देना है। अब मैं आपको रेज के पाथ के बारे में और बताता हूं। आज हम मिरर की इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। कल हम सीखेंगे लेंस की इमेज फॉर्मेशन और फिर उसके बाद टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़ेंगे। रोज आते रहना बेटा, 3-4 दिन 5 दिन में आपको ऑप्टिक्स का सारा बेसिक समझा दूंगा।
मैं बेटा मैं कई सारी रे डायग्राम बनाऊंगा। ये है हमारा मिरर, ये है पोल, मिरर का मिडिल मोस्ट पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। दूसरी फिगर, ये मेरे बेटा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और ये है बेटा इसका फोकस। मैं एक साथ पहले दो तीन बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं। ये है बेटा हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। मेरे बेटा यहीं पर आप देखते रहिए, ये है हमारा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये सब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाने के लिए पहले ही बेस तैयार कर लिए हैं। आप लोग जरा ध्यान से देखिए कौन सी रे कहां से आएगी, कहां जाएगी और फिर मैं आपको सिखाना शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सी रे कहां से आएगी, कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। मेरे बेटा जो रे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो फोकस से जाती है। लेकिन यदि आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करके देखें तो आप पाएंगे कि आई और आर बराबर है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, वो दोनों सेम है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल सेम है, यानी कि ये रूल आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करता है। जो रे फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, यानी कि बेटा पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी। और यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसे ज्वाइन करूंगा तो आपको फिर आई इज इक्वल टू आर देखने को मिलेगा। तो यानी पैरेलल आने वाली रे फोकस से गई, फोकस से आने वाली रे पैरेलल गई, लेकिन दोनों ही केस में आई इज इक्वल टू आर को ये फॉलो कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू आर। जो रे पोल पर आती है वो आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल है। मेरे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को जोड़ो तो रेडियस बनेगी, और यदि रेडियस बनेगी तो रेडियस हमेशा एक नॉर्मल टू द स्फीयर होगी। तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, तो ये आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए जा रही है। अगले केस में आओ, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी यानी नॉर्मल के अलोंग आएगी, वो अपने ही पाथ से वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे अपने ही ट्रैक से वापस चली जाती है। तो क्या सीखा आपने बेटा, पैरेलल रे आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से, फोकस से आएगी तो कहां जाएगी, पैरेलल। ठीक है बेटा, पोल पर आएगी तो क्या बनाएगी, आई इक्वल टू आर। और यदि बेटा पोल के अलावा यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो क्या होगा उसका, वो पैरेलल टू द सरफेस जाएगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो अपने रास्ते से वापस जाएगी। तो मेरे बेटा ये आप लोगों को याद रखना है, एक बार फिर से बताइए बेटा, पैरेलल आई तो कहां से गई, फोकस से, फोकस से आई तो क्या हुआ, पैरेलल, पोल पर आई तो क्या हुआ, आई इक्वल टू आर, और यदि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो गोज बैक फ्रॉम द सेम ट्रैक। और ये सारे किससे निकले हैं बेटा, ये सब निकले हैं आई इज इक्वल टू आर से, ये आई इज इक्वल टू आर से निकले हैं। अब मैं आपको बताता हूं इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट को कहां रखें, कैसी इमेज बनेगी, वो समझना है आपको। तो मेरे बेटा सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को इमेज बनानी सिखा रहा हूं। ये मेरे बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, सबको जोड़ने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं एक बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरे बालक मैं एक बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरी बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा बेटा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, चौथी बार ऑब्जेक्ट को रखूंगा बेटा एट फोकस, और पांचवी और आखिरी बार बेटा मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो चलिए शुरू करा जाए। मेरे बेटा इमेज को आप देखो, रटो मत, जो बच्चा रटता है वो कंफ्यूज हो जाता है। फिजिक्स के अंदर का पहला रूल है नो रट्टाफिकेशन। बहुत से लोग कहते हैं ना याद कर लिया, याद कर लिया, भाई क्या कद्दू याद कर लिया, फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का है। ठीक है बेटा, तो अब आप यहां पर
इमेज देखना शुरू करिए। चलिए मैं यहां पर बताता हूं, पहले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ध्यान से देखना बेटा इमेज कैसे बनेगी। और एक बात बताऊं, ये 9th-10th वालों को भी दिखवा देना, उनके भी काम की है, क्योंकि आज तो बेसिक है और बेसिक में सबके काम का है। आपसे कोई कहे इमेज कहां बनेगी, तो पैरेलल रे लाइए, फोकस से ले जाइए, दूसरी रे पोल से लाए, आई इक्वल टू आर बनाते हुए ले गए, जहां इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया वहां पर इमेज तैयार हो गई है। पैरेलल रे आई, फोकस से गई, फोकस से आई, पैरेलल गई, जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया वहां पर इमेज तैयार हो गई। जहां भी दोनों रेस कट करेंगे वहां इमेज बनेगी। तो कई बच्चे कहेंगे सर यहां कट किया है, कि हाँ सर यहां भी तो कट किया है। बेटा रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेंगी वहां इमेज बनेगी। यहां पर एक रे तो रिफ्लेक्ट हो चुकी थी, दूसरी तो अभी आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट कहां हुई है आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां रिफ्लेक्शन के बाद दोनों कट करेंगी, यानी दोनों का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। इस जगह को मैं इमेज नहीं मान सकता, क्योंकि एक तो रिफ्लेक्ट हो गई थी, दूसरी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई आ रही थी। लेकिन यहां पर पहली भी रिफ्लेक्शन के बाद, दूसरी भी रिफ्लेक्शन के बाद दोनों ने सच में यहां इमेज बनाई है, तो ये इमेज कहलाएगी ए डैश बी डैश। अब क्योंकि दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद सच में कट कर रही है, तो ऐसी इमेज को कहते हैं रियल इमेज। जब रेज रियलिटी में कट करे, रिफ्लेक्शन के बाद रियलिटी में कट करे, तो वो है रियल इमेज। उल्टी आपको दिखाई दे रही है तो ये है इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है तो ये है डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इन्हीं बातों को लिख देना कि भाई इमेज विल बी रियल, क्योंकि असली में रेज ने कट किया, इन्वर्टेड उल्टी बनी, डिमिनिश्ड छोटी बनी, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अच्छा, यदि मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखूं तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो पैरेलल रे आई, तो फोकस से गई, दूसरी पोल पर आई, वो आई इक्वल टू आर बनाते हुए गई। मेरे में कोई स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से बना रहा हूं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इमेज रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि बेटा रेज असलियत में टकराई है रिफ्लेक्शन के बाद, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, सेम साइज की है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनी है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज और सेम पॉइंट पर, जहां ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर। अब मैं बेटा ऑब्जेक्ट को और आगे ला रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ला रहा हूं ऑब्जेक्ट को, और बेटा अब इमेज बनाएंगे। अच्छा, पैरेलल रे आई, फोकस से गई, पोल पर रे आई, आई इक्वल टू आर बनाते हुए गई, इन दोनों ने आगे बढ़ा करके यहां पर इंटरसेक्ट किया, जहां इंटरसेक्ट किया तो वही इमेज है। अब की बार इमेज कैसी है? रेज ने रियलिटी में कट किया है ना, रियल है, उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एनलार्ज है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर के पीछे बनी है। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्यों रटते हो मेरे लाल? इमेज की प्रॉपर्टी मत रट, मत रटो। इमेज है रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, यदि मैं ऑब्जेक्ट को, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई बच्चे कहते हैं सर आप रेज वही दोनों क्यों ले रहे हो, पैरेलल आई तो फोकस से गई, पोल पर आई तो ये, हम और कोई रे नहीं ले सकते? बेटा कोई भी रे लो, मैं एक अलग से रे डायग्राम बीच में रोक के बता रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे आई, फोकस से गई, ध्यान से देखना इसमें कई चीजें समझोगे, फोकस से आई, है एरो जरूर दिखाया करो, फोकस से आई, ये फोकस है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई, यहां पर कट हुआ, ये इमेज बनी, ये इमेज बनी। अच्छा, यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे लेते तो मेरे बालक वो भी वहीं कट करती। यदि आप पोल पर आने वाली रे लेते, थोड़ा बेटा इस स्क्रीन को जूम करके देख लेना, पोल पर आने वाली रे लेते और आई इक्वल टू आर बनाते हुए भेजते, वो भी वहीं कट करती। यानी कि बेटा आप कोई सी भी दो रे ले लो,
यदि आपका रे डायग्राम सही है तो वही कट करेंगे। आप पैरेलल रे लाओ फोकस से ले जाओ, फोकस से लाओ पैरेलल ले जाओ, पोल पर लाओ आई इज इक्वल टू आर बना के ले जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाओ अपने रास्ते से ले जाओ। यदि सही रे डायग्राम है तो हमेशा एक ही जगह कट करेगी। इसका मतलब बेटा कोई भी दो पॉइंट हमारे को इमेज बनाने के लिए, कोई भी दो रेस काफी है, तीसरी रे से वेरिफिकेशन कर सकते हो, चार और रे लेने की जरूरत होती तो है नहीं। तो मेरे बेटा ये इमेज फॉर्मेशन चल रहा है अभी आगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो रे पैरेलल वो ऑब्जेक्ट सेंटर से पहले है तो इमेज जो बनेगी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर पर है तो इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज और सेम पोजिशन पर बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। और मेरे बेटा यदि ऑब्जेक्ट, अब देखना अलग केस आया, दो केस अलग है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। यदि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, अब दिमाग लगा दे बेटा, पैरेलल रे आई फोकस से गई, पैरेलल रे आई कहां से गई, फोकस से, पोल पर रे आई, आई इज इक्वल टू आर बनाते हुए गई, ये रेज क्या रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर सकती है रियलिटी में? सोच के बता, क्या ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं। तो अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन ये इंटरसेक्शन एक तो रिफ्लेक्ट हो चुकी है लेकिन दूसरी तो अभी आई रही है, वो इंटरसेक्शन नहीं माना जाएगा। ये दोनों रेज आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो रियल इमेज नहीं देंगी। फिर कैसे बनाएं इमेज? जब रेज आगे बढ़ाने पर, रे नंबर वन और रे नंबर टू आगे बढ़ाने पर इमेज ना बनाए तो हम इन दोनों को पीछे बढ़ा देते हैं डॉटेड लाइन से। आप इसको डॉटेड लाइन से बैकवर्ड बढ़ाओ रे नंबर वन को, और इसको डॉटेड लाइन से बैकवर्ड बढ़ाओ रे नंबर टू को, और डॉटेड ही इमेज बनाओ, डॉटेड ही इमेज बनाओ। मेरे साथ साथ पेन और पेपर लेकर के बैठ जाओ, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहो। मैंने आज शुरू में ही कहा था, और बेटा यदि मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब दबा देना, लाइक दबा देना। सब्सक्राइब करोगे तो लगातार ऑप्टिक्स के क्या सारे टॉपिक्स के आपको मिलते रहेंगे। एक टॉपिक 11th का कराता हूं, एक 12th का कराता हूं, फिर एक 11th, एक 12th, ये सिलसिला साल भर क्या सालों चलता रहेगा, कोई भी दिन रोकूंगा नहीं। अब मेरे बेटा यहां पर इमेज जो बनी, डॉटेड से पीछे बढ़ाया, डॉटेड से पीछे बढ़ाया, डॉटेड इमेज बनाई, ऐसी इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि रेज रिफ्लेक्शन के बाद सच में नहीं कट कर रही, उन्हें पीछे बढ़ाया गया है तब उन्होंने इंटरसेक्ट किया है, और तब इंटरसेक्ट किया है तो यही वर्चुअल इमेज है। पीछे बढ़ाने पर कट करे तो वर्चुअल इमेज, आगे बढ़ाने पर कट करे तो रियल इमेज। अब मेरे बेटा यहां के बाद मैं पहुंचता हूं इमेज फॉर्मेशन के अगले स्टेज पर, कॉनकेव मिरर से। मेरे बेटा कॉनकेव मिरर में, ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, वो है कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो क्या होगा? तो बेटा एक बात बताओ, पैरेलल रे आएगी तो फोकस से जाएगी, पोल पर रे आएगी तो आई इक्वल टू आर बनाते हुए जाएगी। अब ये तो पैरेलल रेज आ गई, पैरेलल रेज ना तो आगे बढ़ा के इंटरसेक्ट करती हैं ना पीछे बढ़ा करके इंटरसेक्ट करती हैं, तो देखा जाए तो ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इमेज नहीं बनेगी। लेकिन बेटा आपने एर्थ की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पैरेलल लाइंस आर दोज विच कट एट इंफिनिटी, विच इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। तो हम यहां भी यही मानते हैं कि ये पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इन्फिनिटी पर इमेज बनाएंगी, तो हम ऐसी इमेज को कहते हैं इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो बेटा क्विक रिकैप आप लोग दीजिए, एक एक करके मैं फटाफट फटाफट बड़ी फिगर में बनाऊंगा मिटाऊंगा, बनाऊंगा मिटाऊंगा, ये एक रिवीजन का सिलसिला है। मेरे से कहा गया कि ये कॉनकेव मिरर है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल है, मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा हॉज पॉज ना आ जाए। यदि आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, चल लिख दू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, तो इमेज कहां बनेगी? पैरेलल रे लाओ, फोकस से ले जाओ,
फोकस से लाओ, पैरेलल ले जाओ, जहां कट करें वो रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इमेज है। यदि आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, रेक्टिफिकेशन कोई नहीं, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, पैरेलल रे लाओ, फोकस से ले जाओ, फोकस से रे लाओ, पैरेलल ले जाओ, जहां कट करें वो रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज है और सेम पोजीशन पर बनी है। यदि आप पोल से आने वाली रे भी लेते हो, मैं एरोस जरूर बनाना, एरोस के बगैर रे डायग्राम फिजिक्स में अधूरे हैं। पोल से आती तो आप आई इक्वल टू आर बनाते हुए इसे ले जाते तो सही रे डायग्राम की पहचान की, ये भी वही इंटरसेक्ट करती। भाई मेरे पे स्केल नहीं है लेकिन फिर भी देख वहीं से जा रही है नहीं जा रही है, तो ये हमारी हो गई। अच्छा, इसी तरह से आप बाकी रेज भी बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं और उसके बाद आज का टॉपिक रोक दूंगा। आज हम इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर करेंगे, कल हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस करेंगे। अब बेटा यहां पर हमें कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करनी है। किससे? कॉन्वेक्स मिरर से है। अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जान लो। ये हमारा मिरर, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि यदि मैं इस स्फीयर को पूरा कर दूं तो उसका सेंटर यहां आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पोल क्या होता है? मिरर का मिडिल मोस्ट पॉइंट कहलाता है पोल, इनको जोड़ने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, सी और पी का मिड पॉइंट कहलाता है फोकस। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कौन सी रे कहां से आएगी, कहां जाएगी। यदि मुझसे कोई कहेगी ये एक रे यहां से आई पैरेलल, तो वो कहां जाएगी? तो जवाब है वो फोकस से आती लगेगी। पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है जैसे सीधे फोकस पे से निकल के आ रही है। आई इक्वल टू आर चेक करूं, यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइंट करते हुए नॉर्मल बनाओगे तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर दिखेंगे। मैंने आज आते ही कह दिया था आई इक्वल टू आर के अलावा दुनिया में कोई रूल ही नहीं है रिफ्लेक्शन का, चाहे फिर वो प्लेन हो, स्फेरिकल हो, कुछ भी हो, हमेशा वही रूल लगेगा। ठीक है बेटा, तो पैरेलल आने वाली रे अपीयर्स एज इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। अच्छा, फोकस के टुवर्ड आने वाली रे, ये रे फोकस की तरफ आ रही है ना, फोकस के टुवर्ड आने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। नॉर्मल यदि आप ड्रॉ करके देखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करते हुए नॉर्मल बनाते हो, तो आपको आई इक्वल टू आर फिल मिलेगा। पोल पर आने वाली रे, मेरे बालक, पोल पर आने वाली रे आई इक्वल टू आर बनाते हुए जाएगी, पोल पर आने वाली रे आई इक्वल टू आर बनाते हुए जाएगी, है? क्योंकि ये खुद नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सेस खुद नॉर्मल है। तो बेटा आपको पता चलने लगा कि कौन सी रे कहां से आती है, कहां जाती है। तो बताओ बेटा, पैरेलल आती है तो उसका क्या होता है? अपीयर्स एज कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस के टुवर्ड आती है तो पैरेलल है। रे कोई ड्रिल मशीन थोड़ी है। कई बच्चे कहते हैं सर पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाएगी। अबे कैसे जाएगी, रे है या ड्रिल मशीन है, मिरर में छेद करके बाहर निकल जाएगी? ना रे ना बेटा, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाएगी नहीं, उल्टा फोकस से आती लगेगी। रे यहां से गई, इधर निकल गई, ऐसा लगेगा जैसे सीधी फोकस से आ रही है। तो बेटा पैरेलल आने वाली रे का अपीयर्स एज कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस के तरफ आने वाली रे पैरेलल, पोल पर आने वाली रे आई इक्वल टू आर बनाते हुए जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने वाली रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड आने वाली रे, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड आ रही है गोज बैक फ्रॉम द सेम ट्रैक। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आएगी वो अपने रास्ते से वापस जाएगी, तो ये गोज बैक फ्रॉम द सेम ट्रैक। अब इमेज फॉर्मेशन, पता है इसमें बहुत सारे केस नहीं है, यहां तो तुम ऑब्जेक्ट पास रखो या दूर रखो, एक सी इमेज बनती है। ये है मेरे पास दो ही केस है इसमें मेन, तो ये मेरे पास है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और उसका पोल। ये है कॉन्वेक्स मिरर, उसका
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। अब मैं आपको बताऊं बेटा रे डायग्राम के बारे में, आप मिरर का एंड होने वाला है, 5-7 मिनट बस और लगेंगे, ध्यान से टिके रहो। तुम्हें पढ़ाकू वर्ड इसीलिए कहा है, मैंने नाम दिया है क्योंकि तुम लास्ट तक देखते हो मेरी सारी वीडियोस, लास्ट तक है ना। बेटा ऐसा है मेरा वो वाला मेन कैमरा खराब हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मोबाइल से बना रहा हूं, तो बीच में कॉल आ गई थी जिसके कारण ये कट गया, और आपसे छुपाता मैं कुछ हूं नहीं, तो हल्की सी डिसकंटिन्यूटी आपको फील होगी, लेकिन टॉपिक मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं, जोड़ दूंगा, इन्हें ऐड करके भेजूंगा आपके पास। तो मेरे बेटा यहां पर अब मैं आपको दो केस दिखाने जा रहा हूं, दो केस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। बेटा आप ऑब्जेक्ट को पास रख के देखो और एक बार ऑब्जेक्ट को दूर रख के देखो। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वगैरह पे तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो मिरर के बिहाइंड है, मिरर के सामने ही रखोगे। तो मेरे बेटा अब ध्यान से देख, पैरेलल रे आई, अपीयर्स एज कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फोकस से निकल के चली आ रही है। पोल पर रे आई, आई जिगर्टो आर बनाते हुए चली गई। एक बात बताओ, एक रे रिफ्लेक्ट होके यहां गई, दूसरी रे रिफ्लेक्ट होके यहां गई, क्या ये आगे बढ़ा के रियलिटी में कट कर सकते हैं? मेरे बालक नहीं कट कर सकते, रियल इमेज नहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाना पड़ेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आप इसे पीछे बढ़ाइए, इसको भी बैकवर्ड बढ़ाइए, बैकवर्ड हमेशा डॉटेड लाइन से बढ़ाना, जहां ये कट करे वहां डॉटेड इमेज बनाइए, यही इमेज है इसकी। ए बी की इमेज है ए डैश बी डैश, जूम कर लो, वीडियो को जूम कर लो, अभी आपको दिख जाएगा। तो ए डैश बी डैश, थोड़ा सा मोबाइल में ना लिमिटेशंस हो जाती है, लेकिन बेटा मोबाइल में फायदा ये है, माइक रख दिया, माइक से थोड़ी इको आ रही थी ना, आज इको नहीं आ रही थी। तो बेटा इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, पहली बात तो है ये वर्चुअल, दूसरा सीधी इमेज बनी है तो इरेक्ट, छोटी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड, और बिटवीन फोकस एंड पोल। तो बेटा ये इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, बिटवीन फोकस एंड पोल। अच्छा यदि ऑब्जेक्ट दूर होता तो मेरे बेटा जो रे पैरेलल आती अपीयर्स एज कमिंग फ्रॉम फोकस, और जो रे पोल पर आती वो अभी भी आई इज़ इक्वल टू आर बनाते हुए जाती। तो मेरे बेटा यहां पर आई इज़ इक्वल टू आर बनाते हुए जाती। अब आप एक बात बताओ, सोच समझ करके बताना कि क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती, बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा। इसे बैकवर्ड बढ़ाओ, इसे बैकवर्ड बढ़ाओ, जहां कट करे वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों? क्योंकि बैकवर्ड बढ़ाना पड़ा, ऑनवर्ड बढ़ा के इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये तो इमेज की प्रॉपर्टी फिर वही है, ये भी वर्चुअल थी, ये भी वर्चुअल है, ये भी इरेक्ट थी, ये भी इरेक्ट है, ये भी डिमिनिश्ड थी, ये भी डिमिनिश्ड है, और ये फोकस और पोल के बीच में थी, ये भी फोकस और पोल के बीच में। याद रख बेटा, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल भी, कॉनकेव मिरर इरेक्ट भी देता है, इनवर्टेड भी, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक जैसी इमेज देता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, बिटवीन फोकस एंड पोल। यही कारण है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कार और बाइकों के बैक व्यू मिरर की तरफ करा जाता है। आप एक बात बताओ, बैक व्यू मिरर कभी ऐसा चाहोगे जिसमें कभी उल्टी इमेज बने, कभी सीधी, ट्रक आ रहा, टायर ऊपर और बॉडी नीचे, उसे करोगे प्रेफर? नहीं करने के। तुम वो मिरर चाहोगे जिसमें सीधा दिखे, छोटा दिखे, पास दिखे, सारी खूबियों के कारण, क्योंकि ये कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, इन्हीं सारी खूबियों के कारण हम हमेशा यही मिरर बैक व्यू मिरर की तरह से यूज करते हैं। तो मैं अभी इमेज फॉर्मेशन मिरर की आप रिवाइज करो, कल को लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़नी हो तो आ जाना, सब्सक्राइब दबा रखा है तो आपको मिलते रहेंगे टॉपिक। तो ठीक है बेटा, बाय बाय मेरे पढ़ाकू, पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए। तो कल को फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, लाइक सब्सक्राइब अभी भी नहीं करा है तो कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा देना, उससे आपको इंफॉर्मेशन हैंड टू हैंड मिलेगी, इधर वीडियो पढ़ा उधर आप पे आ गया। बाय बाय।